सब्सक्राइब करें राव नर्सिंग एकेडमी चैनल को और पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी कोई नई वीडियो डले तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं नीरज आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे चैनल राव नर्सिंग एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, टॉप पीडियाट्रिक नर्सिंग ऑफिसर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहे क्योंकि आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ में अपने ग्रुप्स में भी शेयर करो वीडियो को। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो कि इन क्वेश्चंस के बिना आपकी एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी अधूरी है, क्योंकि एम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पीडियाट्रिक नर्सिंग का क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्रॉनिक फोलेट लेवल इज, ऑप्शन ए सीरम फोलेट लेवल, ऑप्शन बी आरबीसी फोलेट लेवल, ऑप्शन सी यूरिनरी फोलेट लेवल, ऑप्शन डी बोन मैरो एस्पिरेशन। सो प्लीज असेस करें, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्रॉनिक फोलेट डेफिशिएंसी इज, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आरबीसी फोलेट लेवल इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्रॉनिक फोलेट डेफिशिएंसी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगेन बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम टू एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम अप्रोचेस एडल्ट लेवल एट द एज ऑफ, ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर, ऑप्शन सी 3 ईयर, ऑप्शन डी 4 ईयर। और यहां पर राइट आंसर हो जाता है 2 ईयर, सॉरी राइट आंसर हो जाता है 1 ईयर। एट 1 ईयर इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम अप्रोच कर जाती है एडल्ट लेवल के। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सारे, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरवॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए सिरोसिस, ऑप्शन बी सेरिब्रल साल्ट वेस्टिंग, ऑप्शन सी स्यूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म टाइप, ऑप्शन डी ऑब्स्टेट्रिक यूरोपैथी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सिरोसिस। द हाइपरवॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय सिरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। स्यूडो हाइपरकैलेमिया इन चिल्ड्रन इज यूजुअली एक्सर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन बी डिजिटल इंटॉक्सिकेशन, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइटोसिस, ऑप्शन डी रीनल फेल्योर। सो गेस करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। स्यूडो हाइपरकैलेमिया इन चिल्ड्रन इज यूजुअली एक्सर्टेड बाय थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। साथियों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं इनमें से, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया इन चिल्ड्रन इज, ऑप्शन ए एल्केलेमिया, ऑप्शन बी डिस्टल रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ऑप्शन सी गैस्ट्रोएंटेराइटिस।
ऑप्शन डी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो यहाँ पे पूछा है हाइपोकैलेमिया का मोस्ट कॉमन कोज बच्चों में क्या होता है, तो मोस्ट कॉमन कोज होता है हाइपोकैलेमिया का गैस्ट्रोएंटेराइटिस, तो सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, अगेन वेरी वेरी एम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, फाइव स्टार देने लायक क्वेश्चन है। वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट कैन हैव इनसेंसिबल लॉस ऑफ हाउ मच फ्लूइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए 10 टू 20 ml पर केजी पर 24 आवर, ऑप्शन बी 30 टू 40 ml पर केजी पर 24 आवर, ऑप्शन सी 50 टू 60 ml पर केजी पर 24 आवर, ऑप्शन डी 70 टू 80 ml पर केजी पर 24 आवर। तो गैस करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इन वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट्स द इनसेंसिबल लॉस ऑफ 30 टू 40 ml पर केजी पर 24 आवर्स अकर्स। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, इन टॉक्सिक इंजेक्शन ऑफ एसिटामिनोफेन बाय ए चाइल्ड द सीरम लेवल शुड बी मेजर्ड बाय नर्स आफ्टर हाउ मच टाइम, ऑप्शन ए 2 आवर्स, ऑप्शन बी 4 आवर्स, ऑप्शन सी 8 आवर्स, ऑप्शन डी 6 आवर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर। व्हेन ए टॉक्सिक इंजेक्शन ऑफ एसिटामिनोफेन बाय ए चाइल्ड देन द सीरम लेवल शुड बी मेजर्ड आफ्टर 2 आवर्स। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फाइव स्टार देने लायक क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन प्री अरेस्ट रिदम इन यंग चिल्ड्रन इज, ऑप्शन ए ब्रेडी एरिथमियाज, ऑप्शन बी एट्रियल फ्लूटर, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऑप्शन डी सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया विद WPW सिंड्रोम, वोल्फ पार्किंसन सिंड्रोम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द मोस्ट कॉमन प्री अरेस्ट रिदम इन यंग चिल्ड्रन इज ब्रेडी एरिथमिया। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है द परसेंटेज ऑफ FiO2 दैट कैन बी डिलीवर्ड वाया द नेजल कैनुला इज अप टू, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। तो यहाँ पे पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, पर देखते हैं आप में से कितना सही जवाब दे पाते हैं, तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। परसेंटेज ऑफ FiO2 डिलीवर्ड बाय नेजल कैनुला कितना परसेंटेज होता है कमेंट करें, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ए सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी इन ए न्यू बॉर्न इन्फेंट इंक्रीजेज द रिस्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए मेनिंजोसील, ऑप्शन बी ऑकल्ट रीनल एनोमली, ऑप्शन सी ओम्फेलोसील, ऑप्शन डी ओम्फेलाइटिस। तो कमेंट करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सिंगल एम्बिलिकल आर्टरी इन न्यू बॉर्न रिस्क इंक्रीजेज रिस्क फॉर
ऑकल्ट रीनल एनोमली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड भी क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सडन ऑनसेट ऑफ हाइपोटेंशन इन ए वेरी लो बर्थ वेट बेबी इन्फेंट सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए न्यूमोथोरक्स, ऑप्शन बी नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, ऑप्शन सी बैक्टीरियल सेप्सिस, ऑप्शन डी मायोकार्डाइटिस। सो प्लीज गेस करें, द सडन ऑनसेट ऑफ हाइपोटेंशन इन न्यू बोर्न इन ए वेरी लो बर्थ बेबी इन्फेंट सजेस्ट बैक्टीरियल सेप्सिस। तो सी इज राइट आंसर, विद 5 स्टार देन लाइक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन ऑफ कंजेनाइटल डायफ्रेमेटिक हार्निया इज। पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन है भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्स नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ऑप्शन ए ग्रंटिंग, ऑप्शन बी यूज ऑफ एसेसरी मसल्स, ऑप्शन सी अर्ली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विद इन 6 आवर ऑफ लाइफ, ऑप्शन डी साइनोसिस। सो पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन ऑफ कंजनाइटल डायफ्रेमेटिक हर्निया है, वो आपको असेस करना है, तो अपना आंसर असेस करें और अपनी नॉलेज चेक करें, कमेंट करें। एंड द राइट आंसर इज द पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन ऑफ कंजनाइटल डायफ्रेमेटिक हर्निया इज अर्ली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विद इन 6 आवर्स ऑफ लाइफ इज द पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन ऑफ डायफ्रेमेटिक हर्निया। सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार देने लाइक क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टी लिम्फोसाइट इंडिपेंडेंट वैक्सीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी न्यूमोकोकल, ऑप्शन डी वेरिसेला। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यूमोकोकल वैक्सीन इज टी लिम्फोसाइट इंडिपेंडेंट वैक्सीन। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रोटा वायरस वैक्सीन शुड नॉट बी इनिशिएटेड फॉर इन्फेंट्स ओल्डर देन। ऑप्शन ए 11 वीक, ऑप्शन बी 13 वीक, ऑप्शन सी 15 वीक, ऑप्शन डी 17 वीक। सो सी इज राइट आंसर, रोटा वायरस वैक्सीन शुड नॉट बी इनिशिएटेड फॉर इन्फेंट्स ओल्डर देन 15 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइनल डोज ऑफ रोटा वायरस मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड नो लेटर देन। ऑप्शन ए 6 मंथ ऑफ एज, ऑप्शन बी 8 मंथ ऑफ एज, ऑप्शन सी 10 मंथ ऑफ एज, ऑप्शन डी 12 मंथ ऑफ एज। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
भाई फाइनल डोज ऑफ रोटावायरस एडमिनिस्टर्ड कितने मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो आपको बताना है कमेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसेस करें एंड कमेंट करें। सो बी इज राइट आंसर। फाइनल डोज ऑफ रोटावायरस मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड नो लेटर देन 8 मंथ ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। The minimum interval between the two doses of MMR is option A 2 weeks, option B 4 weeks, option C 2 months, option D 6 months। तो यहाँ पे पूछा है मिनिमम इंटरवल क्या होना चाहिए MMR के टू डोजेस के बीच में। सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी। द मिनिमम इंटरवल बिटवीन टू डोजेस ऑफ MMR इज शुड बी 4 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द मिनिमम एज फॉर द लास्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज ऑप्शन ए 16 वीक, ऑप्शन बी 20 वीक्स, ऑप्शन सी 24 वीक्स, ऑप्शन डी 28 वीक्स। सो मिनिमम एज फॉर लास्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस वैक्सीन क्या होनी चाहिए कमेंट करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 24 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट एसेप्टिक मेनिंजाइटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट एसेप्टिक मेनिंजाइटिस क्या होता है ऑप्शन ए मम्स, ऑप्शन बी ईबीवी, ऑप्शन सी एडिनोवायरसेस, ऑप्शन डी एचएसवी। यहाँ पे एचएसवी का मतलब है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस एंड ईबीवी का मतलब है इबोला वायरस, तो कंफ्यूज ना हो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। The most common cause of recurrent aseptic meningitis is herpes simplex virus. Next, question number 19. Again, very important, 5 star then like question. Which of the following is the first sign of infection in infants with respiratory syncytial वायरस। ऑप्शन ए राइनोरिया, ऑप्शन बी कफ, ऑप्शन सी लो ग्रेड फीवर, ऑप्शन डी इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। सो गेस करें एंड कमेंट करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। The first sign of infection in infant with respiratory syncytial virus is rhinorrhea. Question number 20. Again, very important question. Which of the following is the most important extra-intestinal manifestation of celiac disease? ऑप्शन ए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी शॉर्ट स्टेचर, ऑप्शन सी आर्थराइटिस, ऑप्शन डी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो यहां पे पूछा एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीलिएक डिजीज क्या होता है वो आपको बताना है कमेंट करें। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी।
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीलिएक डिजीज। सो डी इज राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन इन चिल्ड्रन। ऑप्शन ए जॉन्डिस, ऑप्शन बी स्प्लिनोमेगली, ऑप्शन सी ईसोफेजियल हेमरेज, ऑप्शन डी एसआईटीज। सो द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन इन चिल्ड्रन इज ऑप्शन सी, दैट इज ईसोफेजियल हेमरेज इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, सॉरी पोर्टल हेमरेज। ईसोफेजियल हेमरेज वो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है पोर्टल हाइपरटेंशन का। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंसिस्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ निमोनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, देखने में जी लगता लेकिन बहुत बार रिपीट भी हुआ ये क्वेश्चन, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा है मोस्ट कंसिस्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ निमोनिया क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए सब म्यूकोजल रिट्रैक्शंस, ऑप्शन बी ग्रंटिंग, ऑप्शन सी टैकिपनिया, ऑप्शन सी टैकिपनिया, ऑप्शन डी फीवर। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं मोस्ट कंसिस्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ निमोनिया। सो द राइट आंसर इज, कमेंट करें फिर मैं बताता हूँ आपको 3 सेकंड के अंदर। एंड द राइट आंसर इज टैकिपनिया इज द मोस्ट कंसिस्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लिएस्ट पैथोलॉजिकल लीजन इन ए चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। ऑप्शन ए ब्रोंकियोलाइटिस, ऑप्शन बी ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी ब्रोंकोइक्टेसिस, ऑप्शन डी ब्रोंकिइक्टेसिस। सॉरी यहाँ पे बार में और में रिपीट हो गया, यहाँ पे अस्थमा था, क्रॉनिक अस्थमा। ओके मिस टाइप हो गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है अर्लीस्ट पैथोलॉजिकल लीजन इन ए चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है। एसेस करें एंड कमेंट करें। एंड द राइट आंसर इज ब्रोंकियोलाइटिस इज द मोस्ट अर्लीस्ट पैथोलॉजिकल लीजन इन ए चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। भाई याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली कॉज ऑफ हीमोथोरेक्स इन चिल्ड्रन। ऑप्शन ए चेस्ट ट्रोमा, ऑप्शन बी इंट्राथोरेसिक नियोप्लाज्म, ऑप्शन बी कोस्टल एक्सोस्टोसिस, ऑप्शन डी रप्चर ऑफ एनोरिज्म। तो एसेस करें एंड कमेंट करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द रप्चर ऑफ एन एनोरिज्म इज द लीस्ट लाइकली कॉज ऑफ हीमोथोरेक्स इन चिल्ड्रन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन फुल टर्म नियोनेट इज ऑप्शन ए 15 ml/min/m², ऑप्शन बी 20
5 ml पर मिनट पर 1.3 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया है। ऑप्शन सी 35 ml पर मिनट, ऑप्शन डी 45 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड भी है। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन ए फुल ड्रम यूनिट इज 25 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी एसोसिएटेड विद सीजर इज ऑप्शन ए स्पास्टिक हेमिप्लेजिया, ऑप्शन बी स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया, ऑप्शन सी स्पास्टिक डायप्लेजिया, ऑप्शन डी हाइपोटोनिक सेरिब्रल पाल्सी। तो भाई यहाँ पे पूछा ऐसी कौन सी सेरिब्रल पाल्सी होती है बच्चों में जो कि सीजर से एसोसिएटेड होती है। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी स्पास्टिक डायप्लेजिया इज एसोसिएटेड विद सीजर। और अगर यहाँ पे एग्जामिनर पूछ लेता कि भाई मोस्ट सीवियर सेरिब्रल पाल्सी बच्चों में कौन सी होती है, तो वो होती है क्वाड्रिप्लेजिया, स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया, तो कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्लो ब्रीदिंग कंटिन्यूअस इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आर कॉल्ड इज ऑप्शन ए स्टेरोटाइप्स, ऑप्शन बी टिक्स, ऑप्शन सी ट्रेमर्स, ऑप्शन डी एथेटोसिस। सो राइट आंसर इज एथेटोसिस इज द राइट आंसर। स्लो ब्रीदिंग कंटिन्यूअस इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आर कॉल्ड एथेटोसिस, डी इज राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे समय समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द लास्ट फंक्शन टू बी रिकवर्ड इन गुलियन बार सिंड्रोम एज ऑप्शन ए सेंसेशन, ऑप्शन बी बल्बार मसल, ऑप्शन सी टेंडन रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी मसल्स। सो यहाँ पे लास्ट पूछा है ना कि फर्स्ट, क्वेश्चन को अच्छे से समझे। तो लास्ट फंक्शन कौन सा रिकवर होता है जो कि गुलियन बार सिंड्रोम में, राइट आंसर इज टेंडन रिफ्लेक्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एम्स ईएसआई जिपमर के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार जिपमर में पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रैकिसेफली इन चिल्ड्रन अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए कंजनाइटल स्टेनोसिस, ऑप्शन बी अर्ली फ्यूजन ऑफ कॉर्नल सूचर, ऑप्शन सी डैंडी वॉकर सिंड्रोम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। सो ब्रैकिसेफली इन चिल्ड्रन अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ अर्ली फ्यूजन ऑफ कॉर्नल सूचर, सो बी इज राइट आंसर। याद रखना ब्रैकिसेफली किस वजह से होता है, अर्ली फ्यूजन ऑफ कॉर्नल सूचर। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्केपोसेफली इज ड्यू टू प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए कोरोनल सूचर, ऑप्शन बी मेटोपिक सूचर, ऑप्शन सी लैम्बोइड सूचर, ऑप्शन डी सजाइटल सूचर। सो भाई स्केपोसेफली अकर्स ड्यू टू प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ सजाइटल सूचर, कंफ्यूज ना हो, ब्रैकिसेफली अजाइट तो कॉर्नल सूचर के प्रीमैच्योर क्लोजर होने की वजह से होता है,
और यहाँ पे बात कर रहे हैं स्कैपोसेफली की, तो वो होता है मेनली सेजाइटल सुचर के प्री मैच्योर क्लोज होने की वजह से। तो साथियों आज के कैसे लगे क्वेश्चन, आज का तो पीडियाट्रिक नर्सिंग क्विज कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक न्यू अमेजिंग नर्सिंग ऑफिसर क्विज के साथ, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।